पता नहीं मेरा अल्लाह किसको फरिश्ता बना कर दे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, सानिया इस वक्त मेरे पास आई है और मैं बहन भाइयों को बता दूं, देखें और बंदा पीने को मजबूर होता है। अल्लाह ऐसा वक्त किसी पे ना लाए। आप सबके सामने है कि इसकी कितनी केज है। एक बेटा इसका 10 से 11 साल का, दूसरा बेटा 12 से 13 साल का। तो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि आंखों की बिनाई चली गई है, उन्हें नजर नहीं आता सरफराज भाई को। मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोल दूँ, मैं सरफराज भाई को सामने नहीं लाना चाहती। तो हाँ, जिस दिन मेरी ऑडियंस कहेगी मैं वीडियो बनाकर उनकी उनको पर्सनल में भेज दूंगी। वीडियो अगर चैनल पर मुझे लगाना कहेंगे तो मैं चैनल पर भी लगा दूँगी। ये टोटल रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, और ये भी, और ये। तो बहन भाइयों, मैं अपने बहन भाइयों से यहाँ से एक बात जरूर कहूंगी कि एक बीवी आज अपनी फरियाद लेकर आई है, एक माँ अपनी एक फरियाद लेकर आई है अपने बच्चों के बाप की। क्यों? कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खुदा दा अगर किसी बहन भाई पे कोई हेल्प हो सकती है, एक आंख में काला मोती उतर आया और दूसरी आंख में आसानी क्या है, खत्म हो गया, दूसरी आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो गई है। वो डॉक्टरों ने कह दिया कि उसका कोई इलाज नहीं है। और एक आंख जो जिसमें काला मोती होता है उसकी बिनाई चली गई बिल्कुल, दूसरी की चलेगी, उसका ऑपरेशन। जो काला मोती जिसमें है ना उसका कह दिया ऑपरेशन है, लेकिन उसका इस टाइम कम से कम 35 से 40 हजार रुपया मांगा है। खुद रेंट के मकान में रहते हैं, ऑपरेशन कहाँ से करवाए। अगर मेरे कोई बहन भाई ऐसे देख रहे हैं तो खुदा दा मैं यही कहूंगी कि ना सही ज्यादा भले 2-2, 4-4 हजार 5-5 हजार करके जो मुझसे हो सका मैं भी करूंगी। कि मैं नहीं करूंगी, मैं भी करूंगी। तो खुदा दा ये हेल्प मांग रही हूँ अपने बहन भाइयों से कि ऊपर अल्लाह है, नीचे आप है। पता नहीं मेरा अल्लाह किसको फरिश्ता बनाकर भेजते कि मेरे हमारे उस भाई की जान बच जाए, उन्हें वो देख सके, अपने बच्चों के लिए कमा सके। नहीं, रोते नहीं। ठीक, तो सानिया कुछ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। जो बहन भाई जो भी है मेरी हेल्प करे। दो मेरे बच्चे हैं, मैं खुद घरों में काम करके अपना सर्कस चला रही हूँ। तो बहन भाइयों, आप देख रहे होंगे कि वो हो रही है, और इस वक्त क्योंकि मेरी आंखों में खुद आंसू हैं कि वो बंदा कभी इतना शहनशाह था, आप सोच नहीं सकते थे। हम और सानिया इकट्ठे रहते थे एक घर में, ऊपर ये रहते थे नीचे हम रहते थे। तो हमारा रेंट का जब मकान था, और सानिया ने भी हमारी शहनशाही जिंदगी देखी हुई है, हमने भी इनकी देखी हुई है। तो मंडी के वो आड़ती थे, सब्जी मंडी के, और फ्रूट की आड़ किया करते थे वो। कि आज उन पे ऐसा वक्त आया, आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो बहन भाइयों, कोई भी नहीं होता है, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना, नहीं होता कोई किसी का। तो मैं फिर हेल्प की अपील करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, किसी ना किसी को फरिश्ता बनाकर भेज दे। अल्लाह उस बहन भाई का अपने हाथ से दिया हुआ कबूल फरमा ले, और हमारे लिए मेरा हमारा जो भाई है ना सरफराज भाई, अपनी आंखों से देख सकते। ऐ मेरे अल्लाह, किसी को फरिश्ता बना के भेज दे। मैं आज हाथ जोड़कर अपने बहन भाइयों को कह रही हूँ, खुदा दे एक एक हजार पे भी किसी को भेजना पड़े तो भेज दे, ताकि 35 से 40 हजार रुपये इकट्ठा हो जाए और भाई का ऑपरेशन हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों को कमा कर खिला सके। और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगी। ये टोटल रिपोर्ट्स आप सबके सामने हैं, मैं फिर दिखा दूँ। सानिया ये नीचे गिर गई, ये भी है, ये देख लें आप। ठीक है, ये रोते नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह किसी न किसी को फरिश्ता जरूर बना के भेजेगा।
इंशाल्लाह। इसमें और भी है, ये है एक और। जहां जहां से जितनी जितनी इन्होंने जिस जिस डेट की इन्होंने करवाई है, हर चीज सामने पहले।